गाइस बारिश लग रही है थोड़ी थोड़ी, और आई होप कि अगर बारिश लगने से पहले हम कैंठी रुक पहुँच जाए ना तो वो काफ़ी सही होगा, क्योंकि कैंठी में शॉप्स वगैरह हैं तो वहाँ पे बैठ के चाय वगैरह उतना कुछ पी सकते हैं। ठीक है, केतव के पिछले टायर में शायद से हवा का प्रेशर थोड़ा सा कम है, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा लग रहा है कि कम है। ये जगह है, इस जगह का नाम है फुगोड़दार, क्या अजीब सा नाम है ना, और मेरे वाले लड़के सड़के सब यहाँ पे आते हैं, बैठते हैं, टाइम पास करते हैं, गर्मियों में आते हैं, ठंड में कोई भी नहीं आता, कौन ही आएगा इस ठंड में। 30 की स्पीड लिमिट दी है, वो 30 बहुत ज़्यादा नहीं है कहीं स्पोर्टिंग, इस इलाकों में 30 तो काफ़ी ज़्यादा है यार, अगर 30 लिखते हैं तो बंदे तो 60 चलेंगे ना, जिनको तो 10-15 की स्पीड लिखनी चाहिए जिस हिसाब से रोड है ये। बारिश लगी है यार, ऐसे बारिश में राइड करने का अपना मजा है। सामने वहाँ टॉप पे है कैंठी, दूर है काफी ज्यादा अभी तो, देखो क्या सेक्सी प्लेस है यार। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा बट जो हेलमेट का ग्लास है ना उसके ऊपर वाटर के ड्रॉप्स है, रेन ड्रॉप्स। क्या खतरनाक मोड़ है यार, सामने देखो लद्दे, वहाँ पे शायद से बारिश नहीं है, यहीं पे नीचे रामन में भी बारिश नहीं होगी, यहीं पे बारिश है। गाइस वो सामने रहा कैंठी, और अभी हम कैंठी नहीं जाएंगे, वो देख सकते हैं आप कैंठी का सही जगह, और यहाँ से रोड जाती है वो सामने से रोड और वहाँ पे कैंठी, बट अभी कैंठी कैंसिल हो गया क्योंकि ये जो एक बाइक थी हमारी चिक्सर उसका टायर पंचर हो गया, उसमें ये शीशी चले गई है, और हम सोच रहे हैं कि जब तक हम ऊपर जाएँगे तब तक तो टायर पूरा बैठ जाएगा, उससे अच्छा है कि हम नीचे जाएँ मिहाड़ में और वहाँ पर पंचर लगवा दें, तो यहीं तक जाएंगे। अब रुक गया क्या? यहाँ पे शीशी गई है ना, ये अभी शीशी निकालेंगे ना तो पूरी हवा निकल जाएगी बाहर, इसको ऐसे ही रहने दे। हेलो भाई, क्या हाल है भाई, कहाँ पर है तू? प्रो है अगला।
तो गाइस अभी हम फिर से निकल चुके हैं राइड पे। राइड कैंसिल नहीं की हमने। जिस भाई का टायर पंचर था तोसिफ का, वो चले गए पंचर लगवाने और वहीं से वो रामन चले जाएगा। बिहार में पंचर वाली शॉप होगी, ऊपर कैंटी में गया पंचर वाली शॉप नहीं मिलेगी। तो पंचर किट साथ में रखनी चाहिए यार। अभी तो हमारे पास किसी के पास भी पंचर किट नहीं है, बट आई होप्स होगी सभी ले लें। स्कूटी वाला बंदा तो रख सकता है, इवन बाइक वाला भी रख सकता है। जब आप राइड पे जाओ एक पंचर किट रख सकता है। और वैसे तो एंटॉर्क में जहाँ पे यूएसबी केबल लगती है वहाँ पे वो हवा फिल करने वाला, तो वो भी आप रख सकते हैं। जैसे पंचर हुआ तो पंचर लगवा के और हवा भी फिल कर सकते हैं ट्यूबलेस टायर्स को। तो बारिश में जगह और भी टट रही होगी। तो ये रही कैंठी वाली चढ़ाई, थोड़ा ही दूर है कैंठी यहाँ से, बट ये है कि रोड में पूरा पानी पानी है और स्किट काफ़ी ज़्यादा होने के चांस है, तो इसलिए मज़े से चल रहे हम सब। और यही यार, रोड पे शीशियाँ वीशियाँ मत फेंका करो, पिन वगैरह किल वगैरह, उससे क्या होता है अगर टायर में घुस गई तो पंचर हो जाता है। गाइस ये लेफ्ट साइड में रोड जाती है सल्तन को मुलमला वगैरह, और यहाँ पे भी चलेंगे। यहाँ पे गया भी हूँ मैं वैसे, अगर आपने व्लॉग देखा होगा वो वाला तो आपको पता होगा सल्तन वाली राइड। और जो जिक्सर का टायर पंचर हुआ ना, मैंने उनको कहा कि तुम निकल जाओ, अगर तुम ऊपर से आओगे अभी तो जितनी टायर में हवा है वो पूरा का पूरा बैठ जाएगा और फिर खज्जल हो जाओगे, क्योंकि फिर टायर तो निकाल के साथ में लाना पड़ेगा ना, तो वैसे काफ़ी इशू होगा। तो अब भी वो बैठ के चले गए हैं, मिहाड़ में पहुंच जाएंगे तो वहाँ पर पंचर लगवा के निकल जाएंगे और सीधा घर को। ऐसे हम भी वापस जा रहे थे बट उनने कहा कि आप राइड कंप्लीट कर लो, बिहार तक आए हो तो हम ऊपर आ गए। तो रोड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और साफ दिख भी नहीं रहा है क्योंकि ग्लास के ऊपर रेन ड्रॉप्स जो हैं। फाइनली गाइज पहुंच गए हम कैंठी, और ये देख सकते हो नीचे पूरी खाई खाई दिखेगी आपको। एक बार दिखा देता हूँ मैं यहाँ से नीचे, तो यहाँ से नीचे जाएगी स्कूटी तो ख़त्म। हम सब पूरे व्लॉग्स लाग यहीं पे, चैनल के पे कोई वीडियो नहीं मिलेगी आपको। और चलो यहाँ के लिए सुमो चलती हैं, ऑटो नहीं चलता क्योंकि यहाँ पे काफ़ी दूर है ना। सामने वाले पहाड़ देखो, ये वाले देखो, क्या ठंड होगी यार, काफ़ी ज़्यादा ठंड होगी। अभी टेम्परेचर चेक करके मैं बताऊँगा कितना टेम्परेचर है। तो लोग भी बोल रहे हैं आराम से चलना चाहिए, ज़्यादा तेज़ नहीं चलना चाहिए, काफ़ी बहुत से ही बोलते हैं। तो ये रही कैंटी की मार्केट। तो ये सामने वाला पहाड़ देखो और ये भी देखो,
अब भाई ये कहाँ पे जा रहे हैं, कैंटी तो पहुंच गए। तो गाइस ये है हम कैंटी में। माउंटेन देखो सामने वाला, क्या जबरदस्त। तो सामने वाला पहाड़ देख सकते हैं गाइस, क्या सेक्सी लग रहा है। और इससे देख सकते हैं मौत रोड आपको दिख नहीं रही होगी, बट ऐसे है पूरी नीचे उतराई में। और वो सामने कैंटी स्कूल वगैरह, और वो पूरी कैंटी है, वहाँ से नीचे भी कैंटी। तो सही जगह ये भी काफ़ी ज़्यादा। तो चलते हैं अभी वापस नीचे शॉप पे, कोई चाय वगैरह पीते हैं, और उसके कुछ टाइम बैठने के बाद हम चलेंगे वापस।